दिस इज अमरीश और आप देख रहे हैं अमरीश ट्यूटोरियल। सो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे मैं एक मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ, मड मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं इस मड मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। सही है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने बाय किया था दराज के एक पेज से। अच्छा, 11/11 की सेल वाली वीडियो में ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अभी हो गए हैं 5 to 6 months हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए, सो मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ इस प्रोडक्ट का। सो बेसिकली ये मास्क जो है ये एक्नी के लिए है और इस पर लिखा हुआ है एक्नी केयर रेसिपी मास्क पाउडर सिंपल फॉर्मूला विद नीम लीव्स एंड टी ट्री ऑयल। सो डायरेक्शन में इसकी लिखा हुआ है मिक्स वायर शॉप एक्नी केयर रेसिपी मास्क पाउडर विद रोज वाटर टू मिक्स अ पेस्ट, अप्लाई इवनली ऑन फेस एंड नेक, अवॉइड एरिया अराउंड आई एंड माउथ, अलाउ इट टू ड्राई 10 to 15 minutes एंड वॉश ऑफ विद वाटर, डोंट अप्लाई ब्रोकन एरिया एंड इन्फ्लेमेड स्किन। मतलब कि आपने इसको थोड़े से रोज वाटर के साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना है, अपने माउथ और अपने आईज से दूर रखना है और आपने कहीं जला हुआ कटा हुआ किसी भी डैमेज स्किन की ऊपर आपने इसको अप्लाई नहीं करना है और 10 to 15 minutes के बाद आपने इसको वॉश कर देना है। अच्छा, सो प्रिकॉशन में इसके लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज, इफ इरिटेशन डेवलप्स डिसकंटिन्यू यूज। सो मतलब कि अगर आप सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है और आपको आंखों से दूर रखना है और अगर आपको फिर भी इरिटेशन वगैरह कुछ हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। सो इस पे स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि कीप इन अ ड्राई कूल प्लेस, मतलब कि आपने सनलाइट से दूर रखना है और ठंडी जगह पे रखना है। सही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लिखी हुई हैं और यहाँ पे बायोशॉप का इनके ब्रांड का जो है लोगो बना हुआ है और थोड़ा सा टेक्सचर वाइज इनका लोगो बना हुआ है। सही है, और यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है www.biopharmacy.pk, ये आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा टेक्सचर्ड फॉर्म में है, मतलब कि कोई स्टिकर नहीं है, टेक्सचर्ड है। सही है, सारा कुछ इस पे टेक्सचर्ड बना हुआ है। सो फिलहाल मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे एंड रिव्यूज़ इसके बारे में क्या है। वैसे मुझे पता है कि मेरे इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, फिर भी मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बालों को पैक कर लिया है और कैचर लगा लिया है, देन यहाँ पे जो मेकअप किया हुआ है पाउडर लगा हुआ है, ब्लश लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लींस कर रही हूँ अपने फेस को, देन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी तो मैंने वॉश कर ही लिया था। अच्छा, सो मैंने यहाँ पे फेस को अच्छे से वॉश ही कर लिया है। हमने ले लेना है एक बॉल और यहाँ पे ये कुछ इस तरह की कैप के बाद यहाँ पे इनके अंदर सेफ्टी के लिए एक और कैप है और इस पे भी एम्बोस हुआ हुआ है पूरा इनका शॉप का नेम। सही है, सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाइक अच्छा कुछ ग्रीनिश टाइप का शेड है, मे बी आपको नहीं दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ भी मेरे पास है सईद गनी का रोज वाटर जो हम थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करेंगे इसमें, लाइक बिल्कुल थोड़ा सा ही कैप में लेते हुए इसमें ऐड करेंगे ज़्यादा। सही है, फिलहाल हमने ये थोड़ा सा ऐड किया है। अच्छा, तो कुछ इस तरीके का ग्रीन से कलर का गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू विदाउट टेस्ट करे नहीं देती। ये प्रोडक्ट भी मैंने 5 to 6 months टेस्ट किया है 11/11 की सेल के बाद। सो मैं कोई भी रिव्यू ऐसा नहीं देती जिससे आप लोगों को नुकसान हो, लास्ट में टेस्ट करके देती हूँ। सो गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो अच्छे से पूरे फेस पे पेस्ट लग चुका है और हम यहाँ पे वेट करेंगे 10 to 15 minutes और उसके बाद आपको फिर से कैच करेंगे। अच्छा, सो गाइस, इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने निकले हुए थे, सो मैंने एक्ने के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इन दिनों। सो लास्ट में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ सबकी वीडियोस शेयर करूँगी। अच्छा, सो ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुका है
सो इस पॉइंट पे आपने मास्क को वॉश कर देना है बहुत ज़्यादा. अगर आप मास्क को ड्राई कर लेंगे एक्नी प्रॉन स्किन वाले, सो आपकी एक्नी इरिटेट हो सकती है. सो इस पॉइंट पे मैं अपने मास्क को जो है वो वॉश कर दूँगी. सो इस तरीके से आपने वॉश कर लेना है और किसी भी टॉवल से अच्छे से आपने अपने फेस को कर लेना है ड्राई. अच्छा सो आप ये देख सकते हैं ये मास्क मैंने, अच्छा मेरे यहाँ पे हो रहे हैं एक्नी, तो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं एक्नी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे फॉरहेड पे भी एक्नी हो रहे हैं. सो फाइनली मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ये रहा है कि ये जो एक्नी केयर मास्क रेसिपी मास्क जो भी है सही है बायोशॉप का, ये बेसिकली आपके फेस पर ग्लो लाता है, आपके फेस पे टाइटनेस होती है. आप इसको लगाने के बाद जब वॉश करते हैं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा टाइट टाइट फील होता है और बहुत क्लियर फील होता है और आपके टोन को भी थोड़ा सा मुझे लगता है फेयर, मतलब कि कॉम्प्लेक्शन आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा फेयर लगता है और आपकी डलनेस भी थोड़ी रिमूव हुई भी दिखती है जैसे कि आपको दिख रहा होगा सही है. और थोड़ा बहुत मुझे लगता है हाँ ये एक्नी पर काम करता है, मगर बहुत ज़्यादा जिसको सीरियस एक्नी है वो ये यूज़ ना करे, मे बी हो सकता है ये इरिटेट कर दे क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई भी करता है. मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस एक्नी हो गए थे तो मैंने इसको बहुत एक या दो बार लगाया था तो मुझे थोड़ा सा, मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई कर लिया था तो मुझे ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा यूज़ नहीं किया सही है. और उसके बाद मैंने जब दोबारा मुझे लाइक यहाँ पे एक्नी निकले हैं तो मैंने इसको लगाया, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, थोड़ा घीले घीले में ही मैंने इसको वॉश कर दिया था. सो मुझे लगा था कि ये एक्नी के ऊपर आपको इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहिए, थोड़ा घीले घीले में ही, आप नमी नमी टाइप की हो तो उसी में आप इसको वॉश कर दें. अगर आप बिल्कुल ड्राई कर देंगे सो एक्नी और ज़्यादा इरीटेट हो सकती है सही है. थोड़ी बहुत एक्नी अगर आपको हल्की फुल्की एक या दो निकल आए तो उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली ये एक अच्छा मास्क है और नीम का ये मतलब के पाउडर और मुझे लगता है नीम के पाउडर के अलावा भी और कुछ इसमें ऐड है. सो मुझे ये पसंद है, वैसे मैं कभी कभार अप्लाई करती हूँ लाइक मंथ में 1 to 2 times तो अप्लाई कर ही लेती हूँ. अच्छा अगर आप इसको सिर्फ एक्नी के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकेटेड भी हैं और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक मैंने ये अभी स्टार्ट की है ये क्रीम, मुझे एक्नी हो रहे थे सो अगर इसका कोई अच्छा रिजल्ट हुआ तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी. सो अगर ये खाली आप एक्नी के लिए लेना चाह रहे हैं तो ना लें. अगर आप स्किन केयर के लिए, डलनेस के लिए, क्योंकि आपकी डलनेस को रिमूव करता है इसलिए आप लेना चाह रहे हैं, लाइक मंथ में 1 to 2 times यूज़ करने के लिए आप लेना चाह रहे हैं या वीक में एक बार यूज़ करने के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं. एक अच्छा मास्क है, प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं एज अ मास्क सही है. एक्नी केयर के लिए आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको एज अ मास्क ही यूज़ करें. सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए. सो टिल एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा. सो प्लीज़ सपोर्ट करें, ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें. टिल एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.